आज दोस्तों लेकर के आई हूँ आप लोग के लिए चाट बनाने का रेसिपी। दोस्तों ये चाट बनाने की रेसिपी इतना आसान तरीके से बनाकर बतलाऊंगी और खाने में एकदम सुपर टेस्टी। दोस्तों जो भी देखेगा ये बिना रेसिपी बनाए रह नहीं पाएगा। दोस्तों एकदम आसान तरीके से, और जैसे सावन के महीने में लहसुन प्याज कितना लोग नहीं खाते हैं दोस्तों, तो आज बिना लहसुन प्याज के हम ये चाट बनाकर आप लोग से बतलाएंगे, और इन्हें बनाना बहुत आसान है दोस्तों। आप लोग लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आज की हमारी रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ढेर सारे फैमिली में दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आज के चाट के दोस्तों रेसिपी एकदम आसान तरीके से बनाकर बतलाऊंगी, और इन्हें बनाने के लिए कोई भी झंझट नहीं है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं है दोस्तों। सिर्फ आलू और मटर से हम ये चाट बनाकर तैयार करेंगे। तो दोस्तों आप लोग लास्ट तक वीडियो मेरे नहीं देख रहे हैं तो प्लीज देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है लालसा के रसोई में। यहाँ पर देखिए जो सफेद वाला मोटर आता है, इस तरीके से चना आता है, वही मैं रखी हूँ दोस्तों। एक कटोरी रात में भिगा कर रख दी थी, अच्छा से भीग गया है, फूल गया है चना हमारा। यहाँ पर देखिए अच्छा से मैं नौ से तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। तो दोस्तों ये चना बहुत भिगाना और फुलाना बहुत जरूरी है, तभी सुपर टेस्टी हमारा चाट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छा से भीग गया है, तो चलिए इन्हें हम कुकर में डाल लेते हैं। तो इस तरीके से हाथ से ही निकाल करके हम सारा कुकर में डाल लेंगे चना यहाँ पर दोस्तों। अब इसी के साथ में दोस्तों मैं रखी हूँ एक आलू काट करके, इस तरीके से देखिए छील ली हूँ और छोटा छोटा पीस में मैं काट ली हूँ दोस्तों। इसी में आलू भी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे पानी एक से दो गिलास दोस्तों, क्योंकि ये मोटर हम उबालेंगे। उबालने के लिए यहाँ पर मैं पानी डाल दी हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हम डालेंगे एक चुटकी जितना मीठा सोडा। दोस्तों इससे क्या होता है, जब उबालेंगे मीठा सोडा डाल करके एकदम कम समय में उबल करके तैयार हो जाता है। तो इनका ढक्कन मैं बंद कर दी हूँ अच्छे से मिक्स कर करके, और 5 से 6 सीटी आने देते हैं दोस्तों कुकर में। 5 से 6 सीटी आ गया दोस्तों, कुकर को उतार करके हम नीचे रख देंगे। अब उनका हम स्पेशल मसाला तैयार करेंगे बिना लहसुन प्याज के। तो यहाँ पर देखिए कढ़ाई रखी हूँ गैस पर, और इसी में हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल, और इसी में डाल देंगे आधा चम्मच जितना जीरा, और अच्छा से जीरा चटकने देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 टमाटर मीडियम साइज का, इस तरीके से काट करके, क्योंकि हम प्याज लहसुन नहीं डाल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम टमाटर डालेंगे। दोस्तों ये चाट बनाना बहुत आसान तरीका है, तो एक बार ये रेसिपी जरूर मेरे कहने पर तैयार करिएगा, बनाइएगा और खाइएगा, और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोग कैसी लगी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए टमाटर अच्छा से थोड़ा सा कच्चा पन निकल गया था, तो यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जब अच्छा से टमाटर गल जाएगा तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा धनिया का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, जो ये तीखा वाला नहीं है दोस्तों, तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, तो अपने के तीखा के अनुसार से यहाँ पर मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अब इन्हें अच्छा से हम मिक्स कर करके अच्छा से भूनेंगे दोस्तों। इन्हें भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो मीडियम फ्लेम पर अच्छा से भूनेंगे, जब तक ये हमारा कुकर भी ठंडा हो गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मोटर उबाले हैं इन्हें हम चम्मच से निकाल लेंगे, और इन्हें हम चेक करेंगे जो अच्छा से उबला है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों 5 से 6 सीटी में अच्छा से उबल जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है मोटर। यहाँ पर देखिए सारा मोटर अच्छा से उबल गया है। अब इन्हें हम क्या करेंगे, पपाटो मैशर से इस तरीके से हम मैश कर लेंगे दोस्तों। करना दोस्तों ये बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा गाढ़ा चाट बन करके तैयार होगा। तो इसीलिए आज हम आधा इन्हें इस तरीके से मैश कर देंगे, और आधा खड़ा खड़ा मोटर रहने देते हैं दोस्तों, इस तरीके से देखिए रखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए अच्छा से मैश हो गया है, और मसाला भी हमारा भुना करके तैयार हो गया, एकदम तेल छोड़ने लगा है देखिए दोस्तों। इस तरीके से एक बार ये मसाला जरूर बनेगा, बहुत सुपर टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छा से मसाला हमारा तेल छोड़ दिया है, तो इसी में हम जो मैश किया हुआ मटर और आलू डाल देंगे, और इसी के साथ में हम 1 से 1.5 गिलास पानी भी डालेंगे। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान तरीका है। तो यहाँ पर दोस्तों अच्छा से मिक्स कर देंगे, और 2-3 मिनट के लिए अच्छा से इन्हें हम पकने देते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे आधा चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सुपर टेस्टी हमारा चाट बन करके तैयार होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों अच्छा से 2-3 मिनट पक गया है, और गाढ़ा भी हो गया है देखिए। अब इन्हें हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हरा धनिया बारीक कटा हुआ दोस्तों, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट में। ये हरा धनिया डाल करके अच्छा से मिक्स कर देंगे, और यहाँ पर देखिए ये अभी तक थोड़ा सा पतला लग रहा होगा, जैसे जैसे ठंडा होगा दोस्तों अच्छा से गाढ़ापन आने लगेगा। तो यहाँ पर गैस बंद कर देते हैं, और अच्छा से हल्का ठंडा होने देते हैं। चलिए अच्छा से हमारा मोटर ठंडा हो गया, तो चाट भी बना लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं रखी हूँ प्लेट, और प्लेट में हम डाल देंगे मोटर। दोस्तों देखा आपने कितना आसान तरीका है, तो ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई करिए, बरसात के मौसम में एकदम मजा आ जाएगा दोस्तों, इस तरीके से अगर आप लोग बनाकर खाएंगे तो।
एकदम ठेला जैसा स्वाद आएगा दोस्तों। घर पर बनाकर इजी तरीके से खा सकते हैं। अब यहाँ पर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर, थोड़ा सा हरी मिर्च, तो अपने तीखा के अनुसार से यहाँ पर मिर्च डाल सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर ऊपर से हम डालेंगे दही, जो चाट का एकदम स्पेशल जान होता है दोस्तों। तो यहाँ पर दही जरूर खाते हैं तो डालिएगा। यहाँ पर देखिए दही चारों ओर डाल देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे हरी चटनी, जो ये धनिया का मैं घर पर बनाई हूँ दोस्तों। देखिए इस तरीके से हम हरी चटनी भी डाल देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों डालेंगे लाल वाली चटनी, जो खट्टी मीठी बनती है ना, इमली वाला वही है। तो यहाँ पर देखिए ये भी चारों ओर डाल देंगे दोस्तों। ये आ रहा है ना देख करके मुंह में पानी, तो एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करिए दोस्तों। अब यहाँ पर हम डाल देंगे थोड़ा सा भुना हुआ जीरा का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला। यहाँ के ऊपर अगर आप लाल मिर्च का पाउडर डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा नमकीन, जो बारीक से होता है ना वही है, वो भी डाल देंगे। और लीजिए हमारा चाट बन करके एकदम सुपर टेस्टी तैयार हो गया दोस्तों। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, एकदम सुपर टेस्टी, एकदम इजी तरीके से। देखा दोस्तों आपने कितना आसान तरीके से घर पर बन गया। तो इस तरीके से बरसात के मौसम में बाजार में ना जाकर ना खा करके आप घर पर बना सकते हैं, पूरा परिवार को खिला सकते हैं दोस्तों। और इन्हें बनाना बहुत आसान है। नई समोसा डाली हूँ, नई टिक्की डाली हूँ दोस्तों। एकदम सुपर टेस्टी आलू और मटर से हमारे चाटे बन करके तैयार हो जाता है। आइए आप लोग भी दोस्तों टेस्ट कर लीजिए एकदम। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा फैमिली में दोस्तों में शेयर करिए और मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए।